हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लड डोनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्पेशली एलिजिबिलिटी एंड एडवांटेजेस के बारे में। मींस कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कौन ब्लड डोनर हो सकता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल ब्लड डोनेट कर सकता है। मिनिमम एज उसकी 18 ईयर होनी चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट ब्लड डोनेशन के लिए, मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट है 45 kg एंड अबोव। ब्लड डोनर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, पल्स एंड टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए, जो कि ब्लड डोनेशन साइट पे मेडिकल ऑफिसर द्वारा चेक की जाती है। अगर ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर नॉर्मल है तो पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी भी ह्यूमन के ब्लड में हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 12.5 ग्राम परसेंट या इससे ज्यादा है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ये भी ब्लड डोनेशन साइट पर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाता है। प्रीवियस डोनेशन और प्रेजेंट डोनेशन के बीच में मिनिमम 90 डेज का इंटरवल होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल में ये इंटरवल 120 डेज होना चाहिए। मीन्स अगर आज कोई ब्लड डोनेट करता है तो वो नेक्स्ट ब्लड डोनेशन 90 डेज के बाद कर सकता है, और कोई भी फीमेल 120 डेज के बाद ब्लड डोनेट कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के कौन कौन से फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है गुड हेल्थ। ब्लड डोनर रिमेन्स इन गुड हेल्थ। इसका रीजन ये है कि जब ब्लड डोनर ब्लड डोनेशन साइट पे आता है तो उसका मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम का उस ड्यूरेशन में पता चल जाता है। एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रेगुलर ब्लड डोनेशन रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर। इसमें रेगुलर ब्लड डोनेशन से कैंसर का रिस्क घट जाता है, लिवर एंड पैनक्रियास का डैमेज भी घट जाता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्थ अच्छी हेल्थ में रहता है, और ओबेसिटी के चांसेस भी बहुत घट जाते हैं। तो ये सब रेगुलर ब्लड डोनेशन के एडवांटेज है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन के क्या फायदे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताए थे कई फायदे, इसके अलावा रेगुलर ब्लड डोनेशन से ब्लड विस्कोसिटी घट जाती है, मींस ब्लड की तरलता घट जाती है, और ब्लड की तरलता घटने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो डिसीज होती है वो घट जाती है, और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज से प्रोटेक्टेड रहता है। रेगुलर ब्लड डोनेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं, जैसे कि हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, और स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम हो जाती है। रेगुलर ब्लड डोनेशन से जैसा कि मैंने बताया ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और इन सब के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। नाउ आई वुड बी हैप्पी टू टेल अबाउट व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू डोनेट ब्लड। जब आप रक्तदान करते हैं तो शरीर के साथ क्या होता है। ये क्वेश्चन काफी ब्लड डोनर्स के दिमाग में आता है कि मैंने जितना ब्लड डोनेट किया है वो कब मेरे बॉडी में आएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जितना ब्लड आप डोनेट करते हैं वो वॉल्यूम जो आपने डोनेट किया है वो 24 आवर्स के अंदर रिकवर हो जाता है, और जो आपने रेड ब्लड सेल डोनेट की है वो 4 to 6 वीक में रिकवर हो जाती है। तो इस चीज से बहुत वरीड नहीं होना चाहिए कि जितना मैंने डोनेट किया है वो कभी रिकवर भी होगा कि नहीं। वॉल्यूम 24 आवर के अंदर रिकवर हो जाता है, और सेल्स रेड सेल्स 4 वीक के अंदर रिकवर हो जाते हैं। कभी कभी ब्लड डोनर ये पूछते हैं कि इज डोनेटिंग ब्लड सेफ, ब्लड डोनेशन सेफ है। डेफिनेटली यस, ब्लड डोनेशन इज वेरी सेफ प्रोसीजर, बिकॉज अभी स्टराइल डिस्पोजेबल ब्लड बैग्स अवेलेबल हैं, तो किसी भी प्रकार के इंफेक्शन की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए अभी ब्लड डोनेशन बहुत सेफ प्रोसीजर है, और इसमें कोई भी इंफेक्शन की कहीं पर भी संभावना नहीं है। देर आर मैनी प्लेसेस, मैनी पीपल आस्क हाउ मैनी लाइव्स कैन यू सेव बाई डोनेटिंग ब्लड। अगर कोई ब्लड डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसके माइंड में ये आता है कि मैं कितनी जिंदगियां बचा रहा हूँ। डेफिनेटली 3, इफ यू आर डोनेटिंग ब्लड यू आर गोइंग टू सेव 3 लाइव्स। अगर आप एक ब्लड डोनेट करते हैं, एक यूनिट ब्लड डोनेट करने से
तीन जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उसका कंपोनेंट प्रिपरेशन होता है और आपके वन यूनिट ब्लड को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसे जिसे कंपोनेंट सेपरेशन बोलते हैं। मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर में आपको कंपोनेंट सेपरेशन के बारे में भी बताऊंगा। तो आपके एक यूनिट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड पार्ट होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एंड थर्ड पार्ट होता है प्लेटलेट। तो इस तरह से आपके ब्लड को तीन पार्ट में डिवाइड करके तीन डिफरेंट पेशेंट को दिया जाता है और इस प्रकार से आप थ्री डिफरेंट लाइफ को सेव करते हैं। सो डोंट वरी, डोनेट ब्लड, सेव लाइफ विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके राइट लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स को, सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गिव ए गिफ्ट ऑफ लाइफ, डोनेट ब्लड। थैंक यू वंस अगेन।